वजीर दिफा का अपोजिशन के मुतालबे पर ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये दो नंबर लोग हैं। मंजूरी के फैसले में उनका वजीर आला मौजूद था, उनके सामने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज करके दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं, ये गालियां देते हैं, हाउस की तजलील करते हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मुल्क में जो हो रहा है उस पर पूरी कौम के सर झुके हुए हैं। जाती झगड़ों में तौहीन मजहब के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अकलियतों के खिलाफ बढ़ते वाकयात शर्म का बायस हैं, लेकिन ऑपोजिशन को शर्म है हया ना गैरत। अकलियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। कहा, हम दुनिया को कैसा चेहरा दिखाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतें मुलव्वस अफराद की शनाख्त करें। ऐवान इन मुकदमात में अदालतों से बिला ताखिर इंसाफ की तवक्को करता है। वफाकी वजीर कानून के ऑपोजिशन के रवैये पर कड़ी तनकीद। बोले, जवाब मांगने वालों ने मुल्क को दरपेश दो इंतहाई अहम मामलात पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात नहीं सुनी। ये किसी के सुनने को तैयार ही नहीं। और ऑपोजिशन अरकान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर से पहले ही ऐवान सर पर उठा लिया। कौमी असम्बली में मछली मंडी का मंजर, शोर शराबा, नारे, स्पीकर के डायस का घेराव। हुकूमती अरकान वजीर दिफा के आसपास खड़े हो गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालबा। साथ खड़े बैरिस्टर गौहर और असद कैसर बोले, मुल्क में किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। वक्फे के बाद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में जो हो कम अज कम पार्लियामेंट के मशवरे से हो। अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग का भी मुतालबा।